हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। यार आज हम लोग बात करेंगे कैंडीमैन मूवी का, जो कि फाइनली मैंने देख लिया। और मूवी की ओवरऑल लेंथ 1 आवर 31 मिनट की, और ये एक डायरेक्ट सीक्वल है 1992 में आई मूवी कैंडीमैन का। हालांकि ये फोर्थ मूवी है इस पर्टिकुलर फ्रेंचाइज की। इस मूवी की शुरुआत होती है 1977 से, लेकिन वहां पर जो चीजें होती है वो तो आप लोग इस मूवी में देख लेना। फिर उसके बाद मूवी सीधा फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है 2019 में, जहां पर हमें नजर आता है एंथोनी मैकोई, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं। एंथोनी एक विजुअल आर्टिस्ट है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट हुआ था जब एंथोनी को कैंडीमैन के बारे में बताया जाता है। उसके बाद क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मैं एक ही चीज बोल सकता हूँ यार, ये मूवी देखने के बाद जितने भी हॉरर व्लॉगर्स हैं, जो फेक व्लॉगर्स हैं, जो हमारे इंडिया के यूट्यूब कम्युनिटी के हैं, उनको एक अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा कि एक मिरर के सामने बैठो, 5 बार कैंडीमैन 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 बोलो। उसके बाद वो कैंडीमैन वहां पर आ जाएगा। फिर उसके बाद जो करेगा वो तो भाई मैं यहाँ पर नहीं बताऊँ। हालांकि वो सारी चीजें सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से बताई जाती है, लेकिन जिस तरह से वो इस पर्टिकुलर मूवी में बताई गई है, लिटरली आपको डर फील होगा। उसके अलावा जब वो कैंडीमैन आता है, और वो सीन जब वो मिरर के सामने कोई बंदा उसका नाम पुकारता है, वो जब आके लोगों को मारता है जान से, तो वहां पर जो सीन्स को शूट किया ना यार, बहुत ही गजब किया। क्योंकि अगर ऐसे हम लोग आंखों से देखेंगे तो कैंडीमैन हमें नजर नहीं आएगा, लेकिन मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन साफ हमें नजर आती है। तो कहीं ना कहीं वो जो शूट किया है ना पिक्चराइजेशन, वहां पर ऐसा लगता है कि हाँ यार कुछ लोगों ने मेहनत की है। वो जितने भी सीक्वेंस है ना इस तरह के, वो इस मूवी में बहुत ही अलग लेवल पे मूवी को लेके जा रहे थे। मूवी में कैरेक्टर्स की बात करो तो देखो यहाँ पर ज्यादा कैरेक्टर्स है नहीं, लेकिन जो मेन कैरेक्टर एंथोनी, उसको एटलीस्ट इतना तो डेवलप किया है, या कह सकते तो उसके बारे में इतनी सारी चीजें बताई है उसके आर्ट के जरिए कि आप लोग समझ सको कि वो उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके साथ क्या चल रहा है, उसको कैसे अपनी एक अलग पहचान बना रही है, और वो उसको डिजर्व भी करता है लेकिन वो उसको मिल नहीं रही है। तो मतलब उसके अंदर जो एक खलबली मची है, तो वो चीज आपको साफ समझ में आती है इस मूवी के दौरान। उसके अलावा मूवी में जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनको भी अच्छी तरह से लिखा है, सोशल कॉमेंट्री की, या आपको सबसे सोशल मैसेज देने की कोशिश की, या कह सकते हो एक तरह का मैसेज देने की कोशिश की, जो मैसेज भी अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में हम लोग इस तरह के मैसेज पे बहुत सारी मूवीज देख चुके हैं, तो वो मुझे ओकेश लगा। मतलब कुछ ज्यादा ऐसा अलग हटके नहीं लगा। मूवी की अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, सीन्स को बहुत ही अच्छी तरह शूट किया, वो जो वॉयलेंस के सीन्स है उसको भी बहुत ही अच्छी तरह से पिक्चराइज किया है, और ओवरऑल मूवी का जो एटमोसफियर है वो भी बहुत अच्छा लगता है, और विजुअली मूवी कमाल की है। बीजीएम की बात करो तो बीजीएम इट्स अ टेरिफाइंग, मतलब इस तरह की बीजीएम हमारे इंडियन ऑडियंस को बहुत पसंद है। स्पेशली आप लोग कह सकते हो असुर वेब सीरीज में इससे मिलता होता जो बीजीएम हमने सुना था, तो मुझे लगता है बीजीएम ऑडियंस को, हमारे इंडियन ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो याया अब्दुल मतीन, जिसने यहाँ पर एंथोनी मैके का रोल प्ले किया, उन्होंने फुल जस्टिस किया, बहुत ही अच्छा काम करने की कोशिश की है। डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल मूवी की एडिटिंग भी अच्छी है, मतलब ज्यादा खींचा नहीं है, लेकिन अगर एक वर्ड में बोलूँ तो मूवी आपको एंटरटेन करेगी, लेकिन ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। मुझे स्टार्ट से लेके एंड तक ये मूवी बोर नहीं करी, लेकिन अब इस पर्टिकुलर मूवी को लेकर दूसरे लोगों का क्या ओपिनियन है वो मुझे नहीं पता, तो आप लोग एक बार जरूर चेकआउट करना। फिलहाल तो ये इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन देखो आगे चल के ये आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाती है। पेरेंटल गाइडेंस में इतना ही बोलूंगा, मूवी में एक जगह पे किसिंग सीन है, एक ही जगह पे किसिंग सीन है, उसके अलावा एडल्ट सीन कोई भी नहीं है। हाँ, लेकिन वो जो वॉयलेंस के है, वो जो ब्लड शेड, वो काटम कुटी वाले सीन वो है, लेकिन वो भी इतने ज्यादा नहीं है जितने होना चाहिए, तो वैसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मैं बोलूंगा कि एडल्ट लोग देखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 7/10। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।